हाँ जी, राम राम सारे भाइयों ने। भाई या तो है ना इस वीडियो पूरी देखना, अगर देखनी है तो पूरी देखना, वरना पहले ही मिनट पे स्किप कर दो भाई। पर है ना आज एक ऐसी दुर्घटना हुई है, बहुत गंदी दुर्घटना हुई है। अभिषेक बता भाई हुआ क्या है। भाई मैंने तो बाद में देखी, मैं तो बाद में आया, पहले तो तू ही खड़े हो वहाँ पे। तो मेरे को मैं तो एकदम मतलब ड्यूटी आ रहा था मैं जॉब से घर की तरफ, तो घर की तरफ बीएसएफ की तरफ में एक मेरे को देखी भीड़ देखी तो एक आदमी ऑटो पाया, तो वहाँ देखा मैंने मनीष, मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी, खड़ी करके मैंने उसकी थोड़ी हमने वो ऑटो में रखा, तो हमें पता चला कि हमने देखा उसका वो भाई पता नहीं क्या। पहले भाई आप है ना एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद कर लेना ठीक है। उसकी वीडियो दिखा देते हैं हम आपको असल में हुआ क्या था। निकलो 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 है? देख ली भाइयों। तो यार मैं अभी थोड़े टाइम पहले, आपको पता है यार मैं अभी थोड़ा वेट तोड़ रहा हूँ और है ना रात में रनिंग भी करता हूँ। दो टाइम मैंने जो बताया था भाई चैलेंज चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रनिंग कर रहा हूँ। बट मैं व्लॉग आज नहीं बना रहा था क्योंकि आज दशहरा था, तो मैं सोच रहा था भाई पूरा अपने डे को एंजॉय किया जाए, व्लॉग वगैरह के चक्कर में ना रहे। पर जैसे ही मैं रनिंग करके आ रहा था, वहाँ पे अभी थोड़े ही टाइम पहले मेरे पहुँचने से मात्र 30-40 सेकंड पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। और भाई इतने सॉरी फॉर अब्यूजिंग, इतने मादरचोद लोग हैं ना ये, हकीकत बता रहा हूँ, साले खड़े देख रहे वहाँ पे। वो बंदा नीचे लेटा था, खड़े देख रहे, कोई सा नू ना आएगा भाई, कोई रोक ले कुछ कर ले। मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचते ही अरे यार एम्बुलेंस को कॉल करो ना, कुछ करो ना, क्या करें भाई। अगले सामने खड़े हैं, बंदा मरने की हालत में, 10 मिनट रुक जाता तो मर जाता हूँ। अगर 10 मिनट और रुक जाते ना वहीं मर जाता भाई, इतना ब्लडिंग हो रही थी उसके। और दिमाग था ना जो यहाँ वाला, आपने हेलमेट में भी जूम करके देखा हो, जूम में साइड में फोटो डाल रखे देख लो आप, उसका जो दिमाग था वो निकल रखा था, निकल गया उसमें काफी पार्ट होते हैं, मतलब की जो वो रह गया दिमाग की थोड़ी नस वस, ये मतलब सब चीज उसमें हेलमेट में घुस चुकी थी, थोड़ी हेलमेट में घुस रखी थी। और वो तो भाई हकीकत था ना, अच्छा था भाई ने हेलमेट लगा रखा था, अगर हेलमेट नहीं लगा रखा होता तो गर्दन नहीं बचती भाई। भाई पता ही ना कि सिनेरियो के हुआ के उसको, मतलब उसकी स्पीड तो भाई बहुत है, सबसे बड़ी बात भाई स्पीड थी। एक कहावत है, ना से देर भली, बिल्कुल भाई कुछ नहीं फर्क पड़ता, 10 से 15 मिनट का फर्क पड़ता है तुम्हें पहुंचने में। तो भाई इतने स्पीड में तो एक तो चलाओ मत, बिल्कुल मत चलाओ भाई। आप बाइक ही देख लो यार, पूरी अंदर बढ़ रखी है ट्रक के। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रक खड़ा था, ऐसा ना कि भाई ट्रक चल रहा हो, ट्रक वाले की गलती, कुछ भी ना, खड़ा था साइड में। नहीं है भैया, ट्रक साइड में खड़ा था, भाई ने जन ओवरटेक लिया था, जन भाई कहीं ध्यान में खो गया या फिर फोन कुछ भी नहीं पता, काफी ज्यादा हाई स्पीड थी, तो ट्रक के करीब मतलब पूरी बाइक तो ट्रक के नीचे घुसी हुई, उसका शायद माथा वाथा जो था वो यहाँ उसका जो ट्रक के अपर पार्ट है उस पर लग गया। उस पर लगने के बाद भाई हमने तो, मैंने तो इतना कुछ देखा नहीं, मैंने आगे देखा था भाई ये लगा हुआ था, तो मैं इसके साथ लग गया, तो कोइंसिडेंटली मिल गया मेरे को रास्ते में, जब मैंने देखा कि भाई ये सीन हो रहा है। मतलब उसको भाई हम तो कहें महाकाल उसको बचाए, महादेव उसको बचाए भाई। हकीकत में इतनी गाड़ी दी मैंने, खड़ी पब्लिक है ना, इतनी गाड़ी देने लग रहा खुलेआम, मैं बहन छोड़ो इसे, बचा लो कुछ कर लो कुछ ठा लो इसे भाई, ठाने के नाम पे ना मैं जाकर गाड़ी दे रहा। टेम्पू जा रहा था एक साइड में, था मैं टेम्पू वाले वो रोक गाड़ी देकर, टेम्पू वाले भी गाड़ी देकर रुकवाया, टेम्पू उसने साइड में लगाया, तब जाकर 2 या 3 बंदे मिले थे जिन्होंने हाथ लगवाया, बाकी सारे कोई खड़ों का वीडियो बना रहा है कुछ कर रहा। भाई मैं यूट्यूब चैनल चलाऊं, 40,000 होने वाले मेरे भी, बेशक व्यू 98 भर के भी ना है, पर 40,000 लेकर बैठा हूँ, रियल सब्सक्राइबर लेकर बैठा हूँ मैं, फेक ना है रियल है। तब भी भाई मैं वीडियो पर 1% ध्यान ना दिया, उस पहले अगला भाई चढ़ाया टेम्पू में, उसके बाद जाम खुलवाया है, फिर भाई पुलिस पर कॉल करी है, आप साइड में देख सकते हो 5 से 6 बार पुलिस पर कॉल करी, पर पुलिस वाले का नंबर ना मिला, एक साला प्रशासन इतना बड़ा, इनका कॉल ना मिल रही, नेटवर्क ना आ रहे, उसके बाद घर जाकर फिर दोबारा कॉल करी है, तब जाकर कहीं तक बात हुई है मेरी। और अब भाई हॉस्पिटल में भिजवाया था, अब थोड़ी देर में भाई देखने भी जाएंगे कि भाई की हालत है कैसी असल में। पर हाँ इतनी बता रहे हैं भाई, गलती उस भाई की ही, या तो उसका ध्यान भटका था या कुछ भी हुआ था, बाइक स्लिप हुई थी, बहुत ज्यादा स्पीड में बाइक थी। और भाई हाथ जोड़ के विनती आप तो जो भी बाइक चलाओ इतनी तेज मत चलाए करो यार, बहुत बेकार है भाई मैं कह रहा हूँ ना, थोड़े लेट पहुंच जाओ, अगर 5 मिनट लेट पहुंच जाओ ज्यादा फर्क ना पड़ेगा, 5-6-10-5 मिनट को फर्क, 1 या 2 सेकंड की है ना नजर की फेत है, आपकी जिंदगी खत्म है भाई। अपने आराम से चलो, सेफ रहो, घर पहुंचो, त्योहार को टाइम है भाई, सब घर पहुंचो भाई। उसके घर का तो त्योहार खराब हो गया बिल्कुल भाई, त्योहार और इतनी ज्यादा लगी, उसका पैर खत्म था बिल्कुल, पैर तो कती लटक गया, उसका पैर तो बिल्कुल, उसके सिर में भी मतलब मैं क्या कहूँ, मैं
एक बार को कहने वाली बात है कि मैं तो देखो भी ना कि मेरे को दिखो ना सुशांत, पर हाँ इतना कि मेरे को इससे आ करके मैं देखो कि उसको खून ना रुको, खून ब्लडिंग मतलब इतनी गाढ़ी हो रहा कि उस सब कुछ उसके मास्क के उतरा उतरा पड़े तो घनी ज़्यादा उसके चोट मतलब बहुत बहुत भयानक तरीके से चोट लगी उसके भाई। के कहें बचाएगा भी ना बचाए, वो बचना चाहिए भगवान से कृपा है, बस बच जाए। बाकी भाई इतना ही कह, मैं थोड़ा संभल का चलो भाई, आपके घर वाले ने जो 20-25 साल तक था मैं पाल पोस का बड़ा किया तो है कि 20-25 मिनट के चक्कर में है ना कैजुअल्टी बन कर रहे भाई, घर में इंतजार कर रहे हैं, माँ भी इंतजार कर रही है, बहन इंतजार कर रही है, बालक इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा कोई ना घर में इंतजार कर रहा है, तो भाई उसके हिसाब से चलाओ, देख के चलाओ। खुद बता दो भाई उसके घर वाले के भीतरी होगी त्योहार का टाइम है, कैसा कर रहे पहुँच तो जाओगे घर, अगर साली कहीं एक्सीडेंट पे भगवान ना करे कि एक्सीडेंट हो भी रहा है या कुछ हो गया, पर कम लगेगी है ना, इतनी स्पीड में था भाई इसकी वजह से ज़्यादा लगी उसके, तो हम तो कहेंगे भाई आराम से चलाओ, जो लिमिट है उससे चलाओ, ज़्यादा हवाबाजी में और ज़्यादा स्पीड के चक्कर में पड़ने में कोई वो फर्क ना है भाई, थोड़ा आराम से रह करो सारे बाकी भाई सब है और इन एडवांस हैप्पी दिवाली, थोड़ा भाई देख लियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो। जय श्री राम, सीताराम जी।